हाय गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेद मत्कार पर। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। मैं आपका दोस्त डॉक्टर असद आज आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊँगा जिससे सभी लोग परेशान हैं। उस बीमारी का नाम है पुरानी से पुरानी पेचिश। अगर आप चाहते हैं कि इस बीमारी से निजात मिले या किसी को बेनिफिट मिले या आपके हाथ कोई अच्छा सामाजिक कार्य हो सके तो इस बीमारी की पूरी जानकारी पाने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो उस भयंकर बीमारी का नाम अब आपको हम बताते हैं, वो भयंकर बीमारी है पुरानी से पुरानी पेचिश। तो उस पेचिश को हम अंग्रेज़ी दवाओं से ख़त्म नहीं कर सकते। हाल फिलहाल तो हमें बेनिफिट नज़र आता है और फ़ायदा महसूस होता है, इंजेक्शन वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर से वो बीमारी ख़त्म नहीं होती क्योंकि अंग्रेज़ी दवा खून को जलाती है। अंग्रेज़ दवा जड़ से मर्ज को ख़त्म नहीं करती, केवल आयुर्वेद की दवाएं जो हैं वही जड़ से हमारी बीमारियों को ख़त्म करती हैं। साथ ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, सामग्री पर ध्यान दीजिए। सामग्री ज़्यादा नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें आपको ख़रीद कर लानी है किसी भी पंसारी यानी किराना मर्चेंट की दुकान से। तो लानी क्या है आपको, पहली जड़ी बूटी का नाम है कलौंजी। कलौंजी तो आप जानते होंगे जो कि आम तौर से घरेलू औरतें अचार बनाते समय अचार में डालती हैं, इसे काला दाना भी कहा जाता है। तो कलौंजी लेकर आनी 2 ग्राम और कस्ते शीरी भी लेकर आनी 2 ग्राम। क्या लाना है, कलौंजी और कस्ते शीरी 2 ग्राम, दोनों को मिला लीजिए, अलग अलग कूट कर छान कर मिलाना है क्योंकि ये जड़ी बूटी कूटने के बाद ही मिलती है। अब दोनों को जब आपने मिला लिया, दवा आपकी हो गई तैयार। सेवन विधि, सेवन विधि हम आपको बताते चलें। सुबह व शाम दोनों समय खाना खाने के कम से कम 1 घंटा बाद लेनी है। सावधानी, सावधानी यह है कि किसी भी गर्भवती महिला को ये दवा नहीं देनी है, गर्भपात होने का खतरा बना रहता है। और आपको बताता चलें, इस भयंकर बीमारी से निपटने के लिए हमने जो आपको दवा बताई है वो बहुत लाजवाब दवा है। और इसी तरह की और वीडियो हम भविष्य में भी आपको देते रहेंगे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आइकन बेल को दबाते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर ज़रूर करिए जिससे आपको और समाज को दोनों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।